कि कल यानी कि मंगलवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन किस प्रकार का रहा है। तो काफी समय बाद घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से थोड़ी हमने यहाँ पर बिकवाली आते हुए देखी। 235 करोड़ के आसपास की बिकवाली का फिगर है। खरीदारी हालांकि FIIs की तरफ से दिखी, 526 करोड़ की खरीद का वो आंकड़ा निकल कर आया है। अब जिस तरह के ग्लोबल संकेत मिले हैं, अमेरिका में तो बहुत ही खराब संकेत हमने बीते सत्र में देखे हैं। इन सब के एशियन मार्केट कैसा रिएक्ट करेंगे, क्या रणनीति अपनानी है, इस पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। जिस तरह के फ्रेश ट्रिगर्स अब हम देख रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स को एक बार फिर से परेशान करते हुए नजर आए हैं, हमारे बाजारों में कोई अब रणनीति में बदलाव, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या होंगे? सर गुड मॉर्निंग। नेहा देखिए, कमजोरी के संकेत आएंगे और भारतीय बाजार में भी पिछले शुक्रवार से ही थोड़ी कमजोरी के संकेत देना शुरू कर चुके हैं और अंडर परफॉर्म कर ही रहे हैं और बढ़ने आ रही है। हालांकि अच्छी बात एक ही है कि थोड़े FIIs की तरफ से बिकवाली के आंकड़े नहीं है, यानी कि जो बिकवाली हो रही है वो ट्रेडर्स की तरफ से होती दिख रही है। दूसरा है कि मंथली एक्सपायरी के ठीक पहले बाजार थोड़े से हल्के है, लेकिन फिर भी जिस तरह की तेज गिरावट अमेरिकी बाजार में हुई उसका नुकसान तो हमें उठाना ही पड़ेगा। सेंटिमेंट कमजोर है ही, ऐसे में थोड़ा और नीचे जा सकते हैं। आज 17,850 के नीचे बंद होने के पूरे आसार है, कल भी लगभग उन्हीं लेवल के आसपास बंद हुए हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम 17,850 के नीचे आज बंद होते हैं तो फिर से थोड़ा कमजोरी का संकेत आएगा। तब जो बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल होगा क्लोजिंग बेसिस पर वो 17,600 होगा। बैंक निफ्टी भी 40,500 से थोड़ा सा ही ऊपर है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा रिस्की जोन तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं। अब आज के लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल निफ्टी पर रहेंगे वो रहेंगे 17,650-17,725। ये वो रेंज है जहाँ पर बाजार सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा और ऊपरी स्तरों पर 17,875-17,925 रुकावट की रेंज बनेगी आपके लिए अगर किसी तरह की कोई रिकवरी आती है तो। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 40,175-40,350 ये अब आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा आज के लिए, और इसके नीचे जाने पर रिस्क और बढ़ेगी, संभावना वैसे कम दिखती है। ऊपरी स्तरों पर 40,875 से लेकर 40,950 की रेंज है बैंक निफ्टी पर, जहाँ पर आपको सप्लाई आते हुए दिखेगी। तो मंथली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले सेंटिमेंट कमजोर है, ग्लोबल मार्केट का सपोर्ट है नहीं, ऐसे में आप नीचे खुलेंगे, थोड़ा और नीचे जाएंगे, हल्का सा सपोर्ट या शॉर्ट कवरिंग जिसे कह सकते हैं वो आपको लोअर लेवल से मिलेगी क्योंकि बाजार थोड़े ओवरसोल्ड है। बट दिक्कत यही कि खरीदारी का अभाव है, कोई बहुत बड़ी बाइंग आ नहीं है। आज के लिए सबसे बड़ी की ट्रिगर जो होगी वो ये कि क्या FIIs की बिकवाली का प्रेशर आज फिर से आता है ग्लोबल मार्केट को देखते हुए, या पिछले दो दिनों से हल्की फुल्की कमजोरी के बावजूद FIIs नहीं बेच रहे। अगर वही रुझान रहता है तब तो ठीक, लेकिन अगर उनकी बिकवाली का दबाव आता है तो फिर मामला मुश्किल होगा।